टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। भाजपा सलेमपुर द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती समता निवास सलेमपुर में मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बताते चले भाजपा नेता जयनाथ कुशवाहा गुड्डन ने कहा कि हमें अगर जीवन में उच्च लक्ष्यों पर पहुंचना है तो विवेकानंद के बताए कठिन मार्गों पर चलना होगा। उन्होंने कहा कि उनके गुरु परमहंस जी थे और परमहंस जी पर माँ शारदे की कृपा थी। उन्होंने कहा कि युग प्रवर्तक स्वामी जी ने भारतीय संस्कार संस्कृति को भारत के गुलामी काल में भी शिकागो के विश्व धर्म मिलन में अपने प्रखर व वजस्वी वचनों से भारत की पहचान स्थापित की थी। जिला मंत्री अभिषेक जायसवाल ने कहा कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाती है। देश में विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी सलेमपुर द्वारा समता निवास सलेमपुर में जो सांसद निवास कहलाता है उनके स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं भाजपा के यहाँ के लोकल लीडर हमारे जयनाथ कुशवाहा गुड्डन जी रहे, साथ में विशिष्ट अतिथि जिला मंत्री अभिषेक जायसवाल जी रहे। इन लोगों ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि युवाओं को इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है, क्योंकि युवा इनके कदमों पे चलेंगे तभी देश का और राष्ट्र का विकास होगा। और हमारे भाजपा सलेमपुर द्वारा प्रत्येक सेक्टरों में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, यहाँ तक कि बूथ स्तरों पे भी सूचनाएं हैं कि वहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं। और भाजपा हमेशा से ही स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों पे चली है और हमेशा चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।